What is given to us is that a capacitor of capacitance 100 microfarad. A capacitor of capacitance with a 100 microfarad and a coil of resistance 50 ohm and a coil of resistance 50 ohm. Repeat कर रहा हूं. A capacitor of capacitance 100 microfarad and a coil of resistance 50 ohm and inductance 0.5 henry. Inductance 0.5 henry. It is with a furthermore given to you that beta these are connected in series with these are connected in series with 110 volt aapko supply voltage di hui hai and 50 hertz source 110 volt 50 hertz source ke sath aapne connect kiya. Calculate RMS value of current in the circuit bete. Aapko IRMS jo hai this is needed to be calculated beta. We want to calculate this thing bete. दो मिनट का काम है आपके लिए. कल भी आप ऐसा प्रॉब्लम कर रहे थे बेटा. सो क्विकली कंप्लीट कर दीजिए इसको. आई आर एम एस आपका इट विल बी इक्वल टू बेटा ई आर एम एस अपॉन जेड. यू नीड टू कैलकुलेट जेड बेटा एंड जेड इज नथिंग बट स्केयर रूट ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी का कंप्लीट स्केयर प्लस बड़े वाले आर का स्केयर. बहुत बढ़िया कर दीजिए फटाफट. कैपिटल आर का स्केयर कह रहा हूं मैं. जेड आपके पास डियर चिल्ड्रन बन गया जी एक्सएल और आपको आई निकालना है. आई आर एम एस आपके पास बेटे ई आर एम एस अपॉन जेड. ई आर एम एस आपको ये देखिए दिया हुआ है 110. जेड आपने निकाल लेना है तो फटाफट निकाल दीजिए और बताइए कितना आ रहा है बेटा. योर कैलकुलेशन शुड नॉट ओनली बी फास्ट बट इट शुड बी एक्यूरेट आल्सो बेटा. बोलिए दो बताइए आप बेटे. जो आपको ये वैल्यूज दी हुई हैं ये रूट मीन स्केयर वैल्यूज ही होती हैं. जो अदरवाइज आपको दी होती है वो पीक वोल्टेज उसके साथ लिखा होता है. जो जिसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है ना ये आर एम एस वैल्यूज ही है. Unless or until it is mentioned कि आपको peak voltage दी हुई है. Peak voltage आपका root 2 times E naught या I naught होता है तो वो काफी बढ़ जाता है. Right? हाँ जी बेटे. Dear children फटाफट सॉल्व कर दीजिए बेटे. कितना आ रहा है Z कितना बना. Z आ रहा है कुछ के नहीं. अवर कैलकुलेशन वर्क शुड बी फास्ट एज वेल एज एक्यूरेट. हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड. हां जी बेटे सब चीजें आपके पास हैं. माइक्रो के आपने फेरेड बना लेने बाकी कोई चेंज नहीं इसमें. माइक्रो फेरेड के फेरेड बना लो ना. 10^-6 कर लो बेटा. ये 10^-4 फेरेड आ गया सीधा ही. ठीक. अवर कैलकुलेशन वर्क शुड बी फास्ट एज वेल एज एक्यूरेट. Z how much. Aditya Sharma, Dhruv Sharma, Manya and Sia, Vanshika, Abhay Sharma, Arushi, Gunjot, Shitij, Lakshya, Supriya, Sushant. हाँ बेटे नहीं नहीं values बोलनी है. Z कितना आ रहा है. IA कितना आ रहा है. बाकी आप अच्छा काम कर रहे हैं. That is well known.
इसको सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करिए। अभय शर्मा जी, अभय शर्मा, उत्तर जेड कितना आ रहा है, आई कितना आएगा, दिस इज रिक्वायर्ड। कैलकुलेशन वर्क पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। हाँ जी बेटा जी, जेड कितना बन रहा है? हाँ सो एंड आई 110 अपॉन, सो आई आर एम एस आपके पास बेटे बन गया आफ्टर कैलकुलेशन 0.816 एम्पियर, राइट जी? ओके वेल, नहीं निकला क्यों? इट शुड नॉट बी सो। एक्सएल और एक्सी निकल गया, एक्सएल एंड एक्सी, उसको बेटे करना पड़ेगा ना आपको। पहले पहले एक्सएल निकाल लीजिए, एक्सएल आपके पास डियर चिल्ड्रन ओमेगा एल आएगा, 2π μ L आएगा, एक्सी 1 बाई ओमेगा सी आएगा, 1 बाई 2π μ एंड सी आएगा, राइट? सीधा सी और एल पुट करके नहीं करना, वो ठीक नहीं होगा। मिलता जुलता एक और प्रॉब्लम है, ए रेजिस्टर ऑफ 12 ओम, ए रेजिस्टर ऑफ 12 ओम, ए कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 14 ओम, एक कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 14 ओम एंड ये फिर सी नहीं होगा आपका, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस होगा ये आपका, उन्होंने रिएक्टेंस बोला है ना, इट विल बी एक्स सी। रिपीट करूंगा, ए रेजिस्टर ऑफ 12 ओम, एक कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 14 ओम एंड ए प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 0.1 हेनरी। इंडक्टेंस आपको जो है अब 0.1 हेनरी दी हुई है, यहां पे थोड़ा सा है सोचने वाली बात, एक तरफ वो आपको एल दे रहे हैं, एक तरफ एक्स सी दे रहे हैं, तो ये निकालना पड़ेगा एक्सएल, तभी जाके कुछ बनेगा। दीज आर ज्वाइंट इन सीरीज एंड प्लेस्ड अक्रॉस 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज की सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया है, और आपको करना क्या है बेटा, फर्दर मोर कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। पहली बात तो आप सर्किट में करंट निकालिए, दूसरी बात फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज आपको फाई बी निकालना है इन एडिशन टू द करंट, और आपको दिया गया है पाई, आप 3 ले सकते हो, ये गिवन है स्टेटमेंट में। सो आपको कैलकुलेशन में उन्होंने थोड़ी सी देखिए हेल्प कर दी है, पाई को पॉइंट्स में नहीं दिया आपको, डायरेक्ट वैल्यू आपको दे दी है, और बाकी देखो आपको एक्स सी उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, आपको एक्स सी को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, खाली एक्स एल निकालना पड़ेगा आपको, और एक्स एल निकालकर आप जेड निकाल लोगे, जेड निकाल के आई निकल जाएगा, एंड फॉर योर फेज एंगल फाई क्या करेंगे बेटे, हम फाई के लिए क्या करेंगे? फाई बोलो पुत्र, और टू सॉल्व फॉर फाई हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल एलसीआर सीरीज सर्किट की जब बनाई थी, टेन, यस बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया बेटे, आपने टेन फाई निकाला था एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर करके, ठीक है? एक्सएल एक्ससी की वैल्यू पुट कर दो, आर आपके पास है, टेन फाई की कुछ वैल्यू आ जाएगी,
अगर आपको टेबल अवेलेबल होगा गुड एंड वेल, नहीं तो आप सीधा ही लिख दीजिए फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, इतना तो कर सकते हैं सॉल्व की नहीं, कर दीजिए फटाफट। देन सुस्त नहीं पढ़ना, उस ये कितना आ रहा है माइनस माइनस तो नहीं आ रहा, 16/12 बिल्कुल ठीक है, वेरी राइट। पाई टेन इनवर्स कितना 16/ कितना कह रहे थे 12, ये आ गया ना 4/3, टेन इनवर्स 4/3, तो z निकाल के i भी निकाल दीजिए फटाफट। z इज कितना 20 आ रहा है, कहां मिस्टेक हुई है चेक करिए, z एब्सोल्यूटली 20 आ रहा है, वेरी नाइस कैलकुलेशन, एक्यूरेट कैलकुलेशन, गुड वर्क ऑन योर पार्ट। एंड व्हाट अबाउट i देन, हाँ जी आई 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 टेन ही आ जाएगा, ये v आपके पास है और ये z भी आपके पास है, तो i विल बी 200 volt upon 20 ohm, i आपका 10 ampere आ जाएगा, कोई इसमें है ही नहीं ऐसी बात, राइट। चलें जी आगे, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा अब। चलिए एक रेजोनेंस वाला न्यूमेरिकल में कोई ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा प्रेजेंटली, लेट मी, हां जी बोल दिया कर पुत्र, सुस्त मत पड़ा करो। चलिए वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ए क्वाइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohm, ए क्वाइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohm एंड इंडक्टेंस 0.5 henry, 0.5 henry इंडक्टेंस है इसका, एंड कैपेसिटर ऑफ 50 microfarad, सी 50 microfarad का है, एक वाइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohm, इंडक्टेंस 0.5 henry इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर ऑफ 15 microfarad, नहीं 15 है, मैं 50 लिख गया बेटा, इट इज 15, is connected to a capacitor of 15 microfarad across 50 hertz 200 volt supply, 50 hertz and 200 volt की supply के across आपने इनको लगा रखा है सबको, impedance ही निकालने को बोला है उन्होंने आपको, z निकाल दीजिए फटाफट, कोई lengthy काम नहीं, right जी, जरा देखिएगा करके बेटा। How much? वन बाई ओमेगा सी बेटा, वन बाई ओमेगा सी, ओमेगा इज 2π nu,
बिल्कुल जी बिल्कुल। राइट जी, हो जाएगा। अब चेक करना हाउ मच। इट इज टर्निंग आउट टू बी जेड 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 बोलो। वो दिया नहीं हुआ यहाँ पे, अनसॉल्व। हाँ जी बेटे, निकला कुछ? हाँ जी बेटे, देखें करके फिर। एक्सेल कितना बना सबका? 157 बेटा। एक्सेल इज टर्निंग आउट टू बी 157 विद ऑल द स्टूडेंट्स। एंड एक्स सी कितना बना जी? हाँ? 47। उसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। कितना आ रहा है? अलग अलग क्यों आ रहा है सबका? एक्स, एक मिनट रुकिएगा। एक्स इज 1/2 पाई न्यू सी कर देता हूं मैं। 1/2 × 3 उन्होंने पाई आपको नहीं कहा, 22/7 ही लेना पड़ेगा। क्या कहते हो आप? न्यू 50 है, ये 15 × 10^6 इधर एडजस्ट कर दूं, ये फिर आपके पास क्या बना? एक जीरो यहां पे निकल गया है ना, ये बन गया 7/2 2×0 × 15 × 10^5 है ना। एक जीरो और एडजस्ट किया मैंने यहां पे ऐसे, ये बन गया 7×10^4 upon 22 × 15 आ गया है ना। और अब क्या करें? अब तो करना ही पड़ेगा आगे, सॉल्व कुछ नहीं हो सकता। 3.14 लेना है तो वो ले लो, ये लीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा 47.10 आ गया है ना, 1/47 × 10^4 आ गया, आया ना। ये आ गया 2. क्या हुआ? उसको छोड़ दिया, एस्टिमेटेड वैल्यू ले ली, राइट। ये बन गया 1 ही आ गया, ठीक है। 2 1 ये नहीं आया,
टू एक मिनट रुक जाइए, ये आपके पास था 100 कर दिया मैंने, ऐसे कर दिया ये पावर 2 आ गया, 2.1 आ गया इंटू 10 रेस पावर 2, 210 ही आ रहा है ये, ठीक है। अब तो हो जाना चाहिए, हाँ कितना बना, नहीं नहीं जेड भी देखो ना बेटा, ये तो 210 ठीक है, जेड को भी चेक कर लीजिए एक बार, सो वी विल हैव जेड टू बी इक्वल टू एक्सएल आपका कितना था 157 माइनस एक्सी 210, ये स्क्वायर आ गया, प्लस आर कितना था बेटा, आर 100 था, ये आ गया, ये 63 बचा है ना, z बन गया 63 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, हाँ हाँ 53 सॉरी नॉट 63, माइनस में वो क्यों, स्क्वायर लोगे तो वो पॉजिटिव नहीं, पूरा नेगेटिव में कैसे आ गया, हाँ 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 12809, इट मीन्स की 100 से ज्यादा ही आएगी, 110 के करीब वैल्यू आ जानी चाहिए, एंड एग्जैक्ट आंसर आपका 114.3 आपको जेड दिया हुआ है, राइट बेटा, तो दिस इज द वे टू गो फॉर विद दिस जेड बेटे, तो करना ही पड़ेगा, वो हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, नहीं वो तो देखो जब आपको आंसर्स मार्क करने, यू विल हैव टू गो दिस वे और दैट वे, करना पड़ेगा आपको ही, वहां पे नहीं किसी ने देखना कि आपने सॉल्व किया है कि नहीं किया, एवरीवन विल बी गोइंग फॉर द ऑप्शन यू हैव मार्क्ड ओवर देयर इन योर पीटी एग्जाम और इन योर टर्म वन एग्जाम है सच। एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है बेटा, ये देखें, एक कैपेसिटर, ए रेजिस्टर एंड 40 मिली हेनरी इंडक्टर, एक कैपेसिटर, ए रेजिस्टर एंड 40 मिली हेनरी इंडक्टर, राइट, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एसी सोर्स, इनको एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया गया है सीरीज में, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज दी हुई है आपको एसी सोर्स की, राइट, और आपको कहा गया है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ द करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज, इंटरेस्टिंग, ना आपको सी पता है ना आर पता है, एल दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि इन तीनों को सीरीज में लगाने के बाद आपने एक 60 हर्ट्ज के एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया, अगर करंट इन फेज है वोल्टेज के साथ, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ही बोला है ना मैंने बेटा,
कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, सी निकाल के बताइए कितना होगा। तो सुजेस्ट एनी वे बेटा, आप हाउ टू डीकोड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में सब कुछ छिपा हुआ है, छिपा हुआ क्या सामने ही है, सीधा सीधी सीधी बातें। अब कल ही डिटेल में कर रहे थे, कल परसों ही हम। हाँ जी बच्चों, आदित्य शर्मा, ध्रुव, मान्या, सिया, वंशिका, अभय शर्मा, अरुषि, गुंजोत, क्षितिज, लक्ष्य, मानविया, रोहन, सुप्रिया, सुशांत, एनीवन फ्रॉम योर साइड डियर चिल्ड्रन, ध्रुव शर्मा, बच्चों ये स्टेटमेंट पार्ट आपके सामने है, क्या करें क्या ना करें। सुजेस्ट एनी वे आउट। अच्छा ये बताइए ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इफ द करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज व्हाट डज इट कन्वे। बेटे सीरीज में आपके एलसीआर कंपोनेंट लगे हुए हैं, करंट वोल्टेज के साथ इन फेज है, तो व्हाट ही इज स्पीकिंग अबाउट। बोलो भी बच्चों, आप चुप ही कर गए हैं। तनवीर कुछ तो बोलो। बेटे एक रेजोनेंस कंडीशन हमने डिस्कस की थी, उसमें बोला था कि अगर रेजोनेंस हो जाती है तो आपका जो सर्किट है एलसीआर सीरीज सर्किट दैट बिहेव्स लाइक ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज होता है। तो उसने सीधा नहीं कहा, इनडायरेक्टली कह दिया, बात तो एक ही है, रेजोनेंस दी हुई है आपको, और रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू, अगर कोई है बात मुश्किल वाली, कोई भी नहीं, एक्सएल इज इक्वल टू व्हाट, नहीं नहीं न्यूमेरिकली कितना होता है ये फार्मूला एक्सएल का, ओमेगा इंटू एल, यार सी नहीं, इट इज वन बाई ओमेगा इंटू सी, राइट। आपको क्या चाहिए, सी चाहिए आपको, तो सी विल बी इक्वल टू वन बाई ओमेगा स्क्वायर एल कर दें, क्या कहते हो, ओमेगा किसके बराबर होता है, टू बाई न्यू के बराबर होता है, एल को एज ही रहने दें, इट इज वन बाई फोर पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इनटू एल। करोगे अब आप फटाफट वैल्यूज पुट कर देंगे कि नहीं, कुछ नहीं रह गया अब इसमें, हाँ करना पड़ेगा, उसके बिना आपका गुजारा ही नहीं होगा। इसको आप 40 × 10⁻³ हेनरी जरूर लिखोगे, नहीं तो हमारा आंसर नहीं मैच करेगा। कैलकुलेशन शुड नॉट ओनली बी एक्यूरेट बट इट शुड बी फास्ट आल्सो। सी दिस इज वन बाई फोर पाई को कितना आप लिख रहे हो, चलिए इसका स्केयर हो जाएगा, न्यू आपका 60 का स्केयर आ गया, एल आपका कितना है 40 मिली हेनरी है ना, ये बन गया 40 के ये हेनरी बन गए, तो सी देखिए बन गया जी फिर आपके पास 1/4 3.14
60 60 40 10 raised to -3 जरा देखिएगा इधर, एक दो तीन खत्म हो गया ये, ऐसा है। और फिर देखो क्या बचा, C 1 by 4 3.14 3.14 6 6 are 36 36 into 4 144 करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, राइट। एक मिनट लगा लीजिए, हो जाएगा। सो मैनी फैरेड, अगर हम देखें अदरवाइज आंसर 175 माइक्रो फैरेड आ रहा है ये, 175 माइक्रो फैरेड बेटा आफ्टर कैलकुलेशंस बेटा। सो इसको सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, बाकी और भी प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड है उनको भी देखिएगा। कल का दिन एक न्यूमेरिकल्स पे और डिवोट करेंगे, देन वी विल बी स्विचिंग ओवर टू द रिवीजन पार्ट बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माय साइड बेटे, डियर चिल्ड्रन, थैंक यू ऑल।